नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक इसे इस कंपोनेंट को हम हेलिकल बेवल गियर भी कह सकते हैं और कहीं कहीं पर इसे टेलपिनियन भी कहा जाता है। बेसिकली इसको ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपोनेंट है, पावर ट्रांसमिशन के लिए इसे डिफरेंशियल असेंबली में गाड़ियों की यूज करता है। अक्सर हमने इसे थ्री व्हीलर में और फोर व्हीलर्स में यूज होते हुए देखा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ी ही कॉम्प्लेक्स शेप है इसकी, हेलिकल भी है और उसके साथ ये जो है स्लांटिंग सरफेस है, तो ये एक तरह का बेवल गियर भी है। तो दोस्तों, इस कंपोनेंट को आज हम बनाएंगे, तो इसे आज हम बनाते हैं क्रियो पैरामेट्रिक 5.0 पर। मेरे साथ आप शुरू कर सकते हैं इसे बनाना। तो देखिए, देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो पहले तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए, जैसे ही हम क्रियो पैरामेट्रिक के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, ये स्क्रीन सामने आती है। इसके बाद मैंने न्यू पर क्लिक किया, पार्ट पर क्लिक कर, देखिए पार्ट पर तो पहले से ही चेक मार्क है। यहाँ से हम यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट को अनचेक करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमसे प्रॉम्प्ट होगा यूनिट के लिए, तो हम MMNS पार्ट सॉलिड लेंगे क्योंकि हम MM में बनाना चाहते हैं ये मॉडल। अब ओके पर क्लिक किया, यहाँ से ये स्क्रीन खुलकर हमारे सामने आई। अब उस कंपोनेंट का जो पीछे का पोर्शन था वो रिवॉल्व से बनेगा, तो कैसे बनेगा ये देखिए। हमने उस प्रोफाइल को पूरा, यानी ऑटोकैड में देखिए यहाँ पे बना रखा है। इस प्रोफाइल को हमें एज इट इज बनाना होगा और इसे रिवॉल्व कराएंगे हम क्रियो पैरामीटर। तो डायमेंशंस हम उसमें से देख लेंगे और बनाते कैसे हैं वो आप मेरे साथ देखते रहिए। पहले तो हम रिवॉल्व कमांड में गए, रिवॉल्व पर क्लिक किया। इसके बाद ये राइट प्लेन जो है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्केच व्यू पर क्लिक किया, ये घूम कर हमारे सामने आ गया। सेंटर लाइन पर क्लिक किया, फिर इस लाइन पर क्लिक किया, देखिए तो कंस्ट्रक्शन लाइन मिली हमें। फिर मैंने इस लाइन पर ये सेंटर लाइन ऐसे बना ली, देखिए एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। अब एस्केप दबा कर मैं कमांड से बाहर निकल आता हूँ। एक नजर यहाँ पे देखते हैं, देखिए अब ये जो प्रोफाइल हमें बनानी है, यहाँ से सबसे बड़ा डायमीटर है 42 का, और उसके बाद हमें 5 इस डायरेक्शन में जाना, फिर 6 नीचे के डायरेक्शन में जाना। तो पहले सेंटर लाइन हम बना चुके हैं, लाइन पे जाकर इस तरह से बनाना शुरू किया हमने। अब देखिए डायमेंशन, इस लाइन पर क्लिक किया, यहाँ आकर स्क्रॉल की को पुश किया, ये डायमेंशन है यहाँ पे 42, एंटर। इसके बाद यहाँ से इसे हम पहले डिलीट कर देते हैं, एक लाइन बना ली है, इसे हम डिलीट कर देते हैं दोनों लाइनों को। अब चलते हैं जैसा कि हमको दे रखा है, 5। इस पर एस्केप दबाया, अब इस लाइन पर डबल क्लिक किया, इस पर ये 5, प्रोफाइल बननी हमारी शुरू हो गई। इसके बाद हमें नीचे आना है 6 और इस डायरेक्शन में जाना है 35। यहाँ से देखिए मैं 6 नीचे आया और इस डायरेक्शन में जाना है कितना, 35। एस्केप दबाया 2 बार, डायमेंशन नजर आने लगी। डायमेंशन पर क्लिक किया, इधर इस लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ पर स्क्रॉल की कर्सर को इधर ले जाकर थोड़ा साइड में स्क्रॉल की को पुश किया, तो देखिए डायमेंशन आ गई। यहाँ पर टाइप किया 6 और एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद ये 35, यानी ये जो है ये 35। इसके बाद फिर से एक बार हम नजर डालते हैं इस पे, एक स्टेप नीचे की तरफ आना है हमें। यहाँ पर डायमीटर कितना होगा, यहाँ पर तो 36 दे रखा है, सॉरी ये रेडियस है, इसको जब अगर हम डबल कर देंगे तो ये डायमीटर हो जाएगा। ये जो स्टेप दे रखा है यहाँ पर है 34 का, यानी कि ये रेडियस में 1 mm का स्टेप, सॉरी 2 mm का स्टेप है ये। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से हम 2 mm नीचे आएंगे और उसके बाद 15 इस तरफ जाएंगे।
लाइन पर क्लिक किया। स्क्रीन दबाया दो बार, डायमेंशन पर क्लिक किया, इस लाइन पर क्लिक किया और स्क्रॉल की को यहाँ पर पुश कर दिया हल्का सा, यहाँ टाइप किया दो, एंटर प्रेस किया और इसके बाद इस लाइन की डायमेंशन होनी चाहिए 15, तो मैंने डबल क्लिक किया और 15 टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया। इस तरह से देखिए हमारा प्रोफाइल जैसा कि ऑटो कैड में यहाँ पर बना हुआ है ये बनता चला रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, ये 15 है और इसके बाद यहाँ से हमने लाइन ली, लाइन लेने के बाद इस कॉर्नर से थोड़ा आगे बढ़े और क्लिक कर दिया, और एक क्लिक थोड़ा आगे और एस्केप दबाया दो बार। देखिए ये जो सेगमेंट लाइन का, इसकी डायमेंशन यहाँ पर दिखाई दे रही है 12.04, इस पर डबल क्लिक करके इसे कर दिया हमने 25 और फिर यहाँ से सर्कल कमांड में गए, सेंटर एंड पॉइंट पर क्लिक किया। ये देखिए इस लाइन का मिड पॉइंट यहाँ कहीं पर दिखाई देना चाहिए, मिड पॉइंट पर क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया साइड वाले और एस्केप दबाया, कमांड से बाहर आ गए। इसके बाद डिलीट सेगमेंट पर क्लिक किया, ऊपर वाला पोर्शन जो है वो पावर ट्रिम से हमने हटा दिया। देखिए ड्रैग करके ला रहा हूँ, हटता चला जा रहा है। अब यहाँ तक हमारी प्रोफाइल आ गई, इसके आगे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से 40 mm आगे बढ़ना है, फिर एक स्टेप आएगा, ये वाला स्टेप कितना होगा, 34 पर चल रहे थे तो 4 mm और नीचे। यहां से आगे हम बढ़े, और यहां से कंट्रोल जेड करके मैं फिर से इसे बना रहा हूं, छोड़ दिया, इस डायमेंशन को चेंज करके किया 40 और इस डायमेंशन को चेंज करके डायमेंशन किया, इस लाइन पर क्लिक किया और बाहर आके यहाँ क्लिक कर दिया, इसे हमने कर दिया तो 36 से 34 पर आना था, तो ये दो मिनट का स्टेप हो जाएगा। इसके बाद हमें करना क्या है कि और इसके बाद आर पार कराया और इधर कनेक्ट करना है इसको, अभी इसे कनेक्ट नहीं करेंगे, पहले मॉडिफाई कर लें थोड़ा सा। अब 40 तो ये हो गया, ये जो लंबाई है पहले तो हम इसे देख लें कि ये टोटल कितने का आ रहा है, टोटल है ये 155। तो डायमेंशन यहाँ तक और उसके बाद स्क्रॉल की पुश किया, ये होना चाहिए 155/2। देखिए प्रोफाइल खिसक कर आगे बढ़ गया, अब हम सही जगह पर आ गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर डायमेंशन में ही है, हमने इस लाइन पर क्लिक किया और फिर इस लाइन पर क्लिक किया, इसके बाद फिर नीचे पुश कर दिया, ये 327.95 दिखा रहा है, इसे हम कर देंगे तो 155 और एंटर करने के लिए प्रोफाइल आ गई जैसे हम चाह रहे थे वैसे आ गई और बिल्कुल सिमेट्रिकल है, बीचों बीच में आ गई। अब हम करना, हमें करना आगे क्या है, इसमें प्रोफाइल को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, प्रोफाइल को क्लोज कर दिया, एस्केप दबाया दो बार, जैसे ही प्रोफाइल क्लोज हुआ देखिए बीच का पोर्शन जो है फेल हो गया, यहाँ से हमें ओके पर क्लिक कर देना है। देखिए इस तरह से ये रिवॉल्व्ड पोर्शन जो है वो बनकर तैयार हो गया, केवल ये डैशबोर्ड पर जो चेक मार्क है इस पर क्लिक करेंगे ये ओके हो जाएगा। अब जो मेन काम है वो इसके बाद का है, देखिए क्या है कि हमें जो बेवल गियर पोर्शन बनाना है वो अब शुरू होता है, इसके लिए हम ब्लेंड कमांड यूज करेंगे और उसको कैसे यूज करेंगे वो देखना है। तो पहले तो यहाँ से
स्केच पर मैं गया, स्केच पर क्लिक किया, फिर प्लेन सेलेक्ट किया मैंने, ये वाला प्लेन की जगह ये सरफेस ले लिया, सरफेस पर क्लिक किया जैसे ये हाईलाइट हुई, इसके बाद स्केच पर क्लिक किया और फिर स्केच के ऊपर क्लिक किया तो देखिए उन पर सामने किया स्केच बनाने के लिए। अब यहाँ से सर्कल एंड पॉइंट, देखिए बीच वाले पॉइंट सेंटर के लिए दिया, इस पर क्लिक कर दिया, बाहर आकर कहीं पर क्लिक किया, अब एक सर्कल में और बना, दो सर्कल बनाए, एस्केप दबाया। इसके बाद देखिए इन दोनों डायमेंशंस को पहले तो अलग अलग किया, तो जो छोटा वाला सर्कल है इसका डायमीटर मैं दे देता हूँ 110 और बड़े वाले का दे देता हूँ 125। अच्छा, इसके बाद आगे का काम जो इम्पोर्टेंट है, सेंटर लाइन ली, एक वर्टिकल सेंटर लाइन हो गई और एक हॉरिजॉन्टल भी बना लेते हैं, आपको जरूरत पड़ेगी हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन हो गई, दो सेंटर लाइन हो गई। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ से लेंगे आर्क, 3 पॉइंट टेंजेंट आर्क, ठीक है चलिए लेते हैं। पहला क्लिक यहाँ पे कहीं किया, दूसरा क्लिक यहाँ पे कहीं किया, देखिए एक बार फिर से 3 पॉइंट टेंजेंट आर्क, पहला क्लिक यहाँ, दूसरा क्लिक यहाँ। इसके बाद ये देखिए ये कर्सर को इधर इधर उधर मूव करा रहे हैं तो ये आपको दिखाई दे रहा बनता हुआ है, बस यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और एस्केप दो बार दबाया, मैंने दो बार नहीं, यहाँ पे एक ही बार दबाने पर ये डायमेंशन में दिखाई देने लगे। अब करना क्या है, यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो रेडियस है ये हमने दे दी 70, ठीक, ये तो दूर हो गया। अब इस पॉइंट और इस सेंटर लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें देना है, डायमेंशन पर क्लिक किया, सेंटर लाइन पर क्लिक किया, इस पॉइंट पर क्लिक किया और स्क्रॉल की को पुश कर दिया, ये दिखा रहा है 33.84। यहाँ से अब हम इसे चेंज कर देते हैं 8 और इसी तरीके से ये डिस्टेंस भी हमें तो कम करना है। इस पॉइंट पर क्लिक किया, इस पॉइंट पर और इस सेंटर लाइन पर क्लिक किया, स्क्रॉल की को पुश किया, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया 33.86 दिखा रहा है, इसे हमें करना है कितना 18। इस तरह से सामने प्रोफाइल आ, अब ये वाली जो आर्क है दोस्तों ये तो सेट हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसी को मिरर कर लेते हैं दूसरी तरफ, तो इस आर्क पर क्लिक किया मैंने जैसे ही, ये पहले तो एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकलते हैं, एक बार और इसके पर, फिर इस आर्क पर क्लिक किया, देखिए अभी ये मिरर जो है डीएक्टिवेटेड है, आर्क पर क्लिक किया, मिरर पर क्लिक किया, फिर ये सेंटर लाइन पर क्लिक किया। अब देखिए ये सिमेट्रिकल अपोजिट आर्क जो है आपको दिखाई दे, ये मिरर हो गई। इसके बाद क्या करना है कि डिलीट सेगमेंट, ये अब जो है ये टूथ प्रोफाइल बन गई, एस्केप दबाए बाहर निकल आए। देखिए यहाँ से आगे रेफरेंस के लिए हमें सेंटर लाइन बनानी है, इसे भी और भी मिरर करना है, यहाँ से मैंने एक लाइन और डायमेंशन, यहाँ से ये हमें जब एंगल मिल रहा है इसे हमने दे दिया 60, ओके ये हो गया 60। अब इसे मिरर करना है तो ये विंडो बना के देखिए तीनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, मिरर एक्टिव हो गया, मिरर पर क्लिक किया, फिर इस सेंटर लाइन पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पे मिरर इमेज इसका बन गया। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी इसे करना है, एस्केप दबाकर मैं कमांड से बाहर निकल रहा हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ से ये तीनों को सेलेक्ट किया, मिरर पर क्लिक किया, ये वर्टिकल लाइन का रेफरेंस ले लिया, ये दूसरी तरफ बन गई। अब ऐसे ही देखिए इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया,
इन तीनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, फिर इन तीनों को सेलेक्ट किया, यहाँ से मिरर पर क्लिक किया और ये हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन जो है इस पर क्लिक किया। देखिए 6 टूथ जो है बन गए। अब इसके बाद का काम क्या है कि ये डिलीट सेगमेंट लिया, ये पोर्शन नहीं चाहिए, क्लिक करके इसे रिमूव करते हैं। ये प्रोफाइल हम आते हैं, यहां से हमने ओके पर क्लिक किया और मेरे लिए प्रोफाइल भी तैयार। अब इसके आगे हमें करना क्या है, यहां से हमने लिया प्लेन कमांड। प्लेन कमांड लेने के बाद जिस प्लेन पर हमने स्केच बनाया था इस प्लेन पर क्लिक किया, इसे डिलीट कर देते हैं पहले तो इसे। प्लेन कमांड पर क्लिक किया, जैसे ही ये विंडो खुलकर आपके सामने आती है हम देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से कंट्रोल जेड करके पीछे जा रहा हूँ, देखिए ये है हमारा पहला डेटम प्लेन। तो यहाँ से मैंने प्लेन पर क्लिक किया, जैसे ही विंडो सामने आई इस प्लेन को सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ से ये एरो नजर आ रहा है कि इस डायरेक्शन में ये प्लेन ऑफसेट होगा, तो यहाँ से ऑफसेट डिस्टेंस लिया मैंने 55। एक प्लेन यहाँ पे आपको नजर आने लगा, ओके पर क्लिक किया, एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले, फिर से प्लेन कमांड में गए, फिर जो नया प्लेन लिया था इस पर क्लिक किया, यहाँ से ये डिस्टेंस फिर से 55 दिखा रहा है, इसे हम लेते हैं 55। इस तरह से तो नए प्लेन हमें मिले। अब इन प्लेन पर हमें इसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है और उसके बाद स्केल करके थोड़ा सा रोटेट करना। देखिए कैसे, स्केच कमांड में क्लिक किया, ये जो सेकंड वाला प्लेन लिया था स्केप दबाया कमांड से, एक सेकंड कैंसिल किया है इसे। देखिए स्केच पर क्लिक किया, फिर जिस प्लेन पर हमें स्केच बनाना है इस पर क्लिक किया, फिर यहाँ स्केच पर क्लिक किया और फिर यहाँ से स्केच व्यू पर क्लिक किया। तो देख रहे हैं आप, ये प्रोफाइल बनकर आपके सामने आ रही है। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर एक कमांड नजर आती है प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, सिंगल चेन और लूप। तो हमने लूप पर क्लिक किया, फिर इस प्रोफाइल पर कहीं पर भी जाकर क्लिक करते हैं, देखिए पूरी प्रोफाइल ये प्रोजेक्ट हो जाती है। यहाँ से क्लोज पर क्लिक किया, फिर एक विंडो बनाई इस विंडो के, इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ। देखिए ये रोटेट एंड रीसाइज एक्टिव हो गई कमांड, यहाँ पर क्लिक करते हैं। सेंटर पॉइंट हमारे लिए ये वाला है, सेंटर पर क्लिक कर दिया। यहाँ से हम एंगल देंगे 15 डिग्री का, 15 टाइप करके एंटर प्रेस किया, देखिए ऑब्जेक्ट 15 डिग्री पे ये टिल्ट हो गया। स्केल जो अभी का जो एक्चुअल साइज है दैट इज 1, तो हमें इसे थोड़ा सा छोटा करना है। कितना छोटा करना है, 25% छोटा करना है, यानी कि स्केलिंग फैक्टर देता हूँ मैं यहाँ पे 0.75। तो ये 25% रिडक्शन हो गया इसके ओवरऑल साइज। यहाँ से ओके क्लिक किया यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से ओके करके हमने कमांड से स्केच कमांड से बाहर निकला। देखिए ये दो स्केच बन गए। इसी तरीके से तीसरे वाले प्लेन पर अब हमें ऐसा ही स्केच बनाना है। देखिए स्केच कमांड पर क्लिक किया, इस प्लेन पर क्लिक किया, फिर स्केच पर क्लिक किया, फिर स्केच व्यू पर क्लिक किया, उसी प्रोसीजर को दोहराया। और यहाँ से जैसा कि हमें प्रोजेक्ट करना है तो प्रोजेक्ट पर क्लिक किया, यहाँ से लूप पर क्लिक किया, फिर इस प्रोफाइल पर क्लिक किया, देखिए फिर ये प्रोफाइल प्रोजेक्ट हो गई, क्लोज पर क्लिक किया, फिर इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, रोटेट रीसाइज पर क्लिक किया, सेंटर पॉइंट पर क्लिक किया,
फिर इसके बाद यहाँ पर आपने वैल्यू देनी है 30 डिग्री, एंटर, और यहाँ पर वैल्यू देनी है 0.5 और एंटर। यहाँ से ओके पर क्लिक किया, देखिए आप फिर यहाँ से डैशबोर्ड पर भी ओके है। अब जब आप इसे घुमा कर देखते हैं तो ये इस तरह से तीन प्रोफाइल अलग अलग प्लेन पर दिखाई दे रही है ये एक जैसी, शेप एक जैसी है, बस स्केलिंग का फर्क है और एंगल का अंतर। हमने पहले वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेकर बाकी दोनों ऑब्जेक्ट को 15-15 डिग्री पर घुमाया है। पहले और तीसरे ऑब्जेक्ट के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है और पहले और दूसरे और दूसरे और तीसरे के बीच में 15-15 डिग्री का डिफरेंस है। स्केलिंग पहला वाला जो है वो 100%, दूसरा 0.75 और तीसरा 0.5। तो ये चीजें, ये फिगर्स याद रखनी है। अब हम इसे ब्लेंड कमांड देखिए उसकी मदद से कैसे बनाते हैं। ये शेप्स पर आप जाएंगे तो यहाँ पर ब्लेंड नजर आएगा। ब्लेंड कमांड पर क्लिक किया तो यहाँ पर सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। चूंकि हम सेक्शन ऑलरेडी बना चुके हैं तो यहाँ पर सेलेक्टेड सेक्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद देखिए जब सेलेक्टेड सेक्शन पर आ जाएंगे यहाँ पर तो सेक्शन वन यहाँ पर नजर आ रहा है, तो हमने यहाँ पर देखिए ये जाकर इस हिस्से पर क्लिक किया। जिस जहाँ पर आपने क्लिक करना है उस हिस्से को पहचान के रखिएगा। यहाँ क्लिक किया, देखिए ये इस तरह से ये पॉइंट नजर आ रहा है, हमें ये मैच कराने होंगे हर बार। ये हो गया हमारा सेक्शन वन। इसके बाद मैंने इंसर्ट पर क्लिक किया, इंसर्ट पर क्लिक किया तो सेक्शन टू एक्टिव हो गया। अब इसके बाद देखिए ये जो है एज दूसरे वाले प्लेन पर बने हुए ऑब्जेक्ट की, मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए इस तरीके से ये पॉइंट मिल गया। लेकिन ये पॉइंट अभी गलत मिला है, ये पॉइंट यहाँ से मैंने ड्रैग किया और इधर लिया। अब देखिए बिल्कुल सही सही है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलना, ये स्ट्रेट फेस आ गए। अब इसके बाद फिर से इंसर्ट पर क्लिक किया तो सेक्शन नंबर 3 मान लिया है, ये एक्टिव हो गया। तो अब हम सेक्शन नंबर 3 को कॉल करेंगे कैसे, फिर इसी हिस्से पर क्लिक करेंगे, इस प्रोफाइल में देखिए यहाँ क्लिक किया मैंने और ये भी जो है देखिए गलत जुड़ रहा है, तो इसको यहाँ से ट्रैक करा के इस तरफ ले आया। अब देखिए ये एक फ्लैट फेस बन रहा है। इसका ध्यान रखना है सबसे ज्यादा इस कमांड को जब हम यूज करेंगे कि जो वर्टेक्स है वो मैच करने चाहिए एक ही पाथ पर। अगर ये इधर उधर हो जाएंगे तो शेप जो है वो बड़ी ही अजीब सी हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा कि क्या बनाया है। तो यहाँ से ये देख रहे हैं कि ये आउटपुट जो अभी हमें दिखाई दे रहा है प्रीव्यू बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये प्रीव्यू मोड, देखिए इसको बिल्कुल सही आ रहा है। ओके, और इसके अंदर कुछ चीजें और भी हैं ऑप्शंस, जैसे देखिए स्ट्रेट है, स्ट्रेट में कैसा दिखाई दे रहा है आपको, स्ट्रेट में देखिए बिल्कुल ये स्ट्रेट एजेस है, कहीं स्मूथ नहीं है। हालांकि ऐसा कंपोनेंट होता नहीं है, स्मूथ में ही बनेगा, लेकिन आपको स्ट्रेट और स्मूथ के बीच का डिफरेंस मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने ये ऑप्शन ऑन करके दिखाया। इसलिए इसे स्मूथ ले लेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की प्रोफाइल बनकर आप देख सकते हैं। शुरुआत में दोस्तों जब आप इसे देख रहे होंगे कंपोनेंट को लग रहा होगा ये काफी कॉम्प्लेक्स शेप है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है इसे बनाना। अच्छा, अब इसके बाद हमें आगे का काम करना है, जो इस वाले सरफेस पर, ये जो कर्व्ड सरफेस है इस पर हमें प्रोफाइल बनाकर एक्सट्रूड करनी होगी। मैंने यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक किया और प्लेन के तौर पर ये वाला सरफेस इस पर क्लिक किया, यहाँ से स्केच व्यू और क्या करते हैं यहाँ से इसका चूंकि हमें अच्छे से दिखाई दे वो, तो नो हिडन पर क्लिक किया, देखिए प्रोफाइल बंद कर दिया सामने आ गया। तो अगर हम इसे एक बार फिर घुमा कर देखेंगे तो पहला और उसके बाद दूसरा वाला डायमीटर है जिसके ऊपर हमें ये बनाना है, फिर से मैंने स्केच व्यू पर क्लिक किया, यहाँ पर हमें ये ऑब्जेक्ट बनाना है। देखिए यहाँ से कॉर्नर रेक्टेंगल स्लांट, ये यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल ये तो हम ज्यादा आसान रहेगा। ओके, और एस्केप दबाया
डायमेंशन बनाने लगे। यहाँ से हमने लिया 15 और यहाँ से लिया कितना 10। और प्रोजेक्ट सेकंड वाला डायमीटर हमें चाहिए था, तो हमने ऊपर क्लिक किया, क्लोज किया। एक बार फिर से प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं, ये वाला जो ये जगह भी चाहिए, एक बार भी क्लिक किया और क्लोज कर। अब बचे हुए हिस्से को हम डिलीट सेकंड यानी ट्रिम कमांड से रिमूव कर देंगे। पूरा पोर्शन रिमूव कर दिया, अच्छे से सही है। अब इसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। राउंड फिगर में लेकर आने से 6 कर दिया, ओके पर क्लिक किया। अब देखिए प्रोफाइल कैसी नज़र आएगी आपको। यहाँ से इसका विजुअल स्टेट जो चेंज करता हूँ, शेडिंग विद एजेस ले लिया। अब शेडेड तो है लेकिन एजेस भी इसकी प्रोमिनेंट है दिखने के लिए। डायरेक्शन यहाँ से है उल्टा लेकर जाना। अब इसको लेकर कहाँ तक जाना है, ये जो प्रोफाइल बनी थी ये 40 यहाँ तक था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है हमें फिगर 40। एक बार हम चेक कर लेते हैं जी, इसी पर बना है फेस पर ये 40 था, तो 40 और यहाँ से ओके। तो ये एक एक्सट्रूडेड प्रोफाइल बनी हुई आपको नजर आ रही है। और इसे अगर हम जैसे कि यहाँ तक लेकर आना चाहे तो भी ला सकते हैं, उसके लिए एक अलग ऑप्शन है। जैसे कि स्मूथनेस आपको यहाँ पर ये जैसी नजर आ रही है वैसी दिखाई देगी। फिलहाल हम क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को पैटर्न करते हैं। पैटर्न मतलब कि पोलर एरे, जैसे कि ऑटोकैड में आपने पोलर एरे देखा था, वैसे इसमें है सर्कुलर एक्सिस पैटर्न है। इसमें सर्कुलर पैटर्न तो सॉलिडवर्क्स में दिखाई देता है। अब यहाँ से मैंने एक्सट्रूड वन पर क्लिक किया, पैटर्न पर क्लिक किया, फिर पैटर्न पर क्लिक किया, यहाँ से एक्सिस पर क्लिक किया, और देखिए ये जो एक्सिस नजर आ रही है इस पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई दे, फिर ये 360 डिग्री का एंगल एक्टिवेट किया। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं 10 और ओके करते हैं। इस तरह से ये पैटर्न होगा आ जाता है। तो दोस्तों ये है बेवल गियर, वो भी हेलिकल। तो डायमेंशंस जो हैं वो मैंने जो लिए हैं ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस ये है कि इन प्रोफाइल्स की मदद से और इन डायमेंशंस की मदद से जो प्रोफाइल आप बनाया है, आपने जो ये कंपोनेंट बना है, इससे आप ये इन कमांड्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इनकी कैपेबिलिटी का अंदाज़ा आपको होना चाहिए। इससे और कोई अच्छा तरीका नहीं है इसे सीखने का। तो दोस्तों ये था हेलिकल बेवल गियर। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें।